स्टूडेंट्स, ये इंडेनिस्ट्री का 46वां पार्ट है और चलिए महत्वपूर्ण तत्वों को लेता हूं मैं। तो बताएं कि किस पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था, कुषाणों पर विजय के कारण या शकों पर विजय के कारण? भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं की संख्या कितनी थी, 18 या 14? भारत में सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था, अशोक या गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय? शकों के 5 शाखाओं में से सबसे लंबी शाखा कौन सी, सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली शाखा कौन थी, अफगानिस्तान वाली शाखा या दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा? और शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था, इनका शासन काल कब था, 130 से 140 ईस्वी या 130 से 150 ईस्वी? रुद्रदमन प्रथम किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, राजस्थान में या गुजरात में? काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी का जीर्णोद्धार किसने करवाया, कुषाणों ने या शकों ने, रुद्रदमन प्रथम ने? रुद्रदमन को किस भाषा से बहुत प्रेम था, हिंदी या संस्कृत? सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त ने या रुद्रदमन प्रथम ने? रुद्रदमन से पहले के अभिलेख किस भाषा में थे, संस्कृत के या प्राकृत के? किन शासक को यूची और तोखरी भी कहा जाता है, शकों को या कुषाणों को? यूची नामक कबीला कितने कुलों में बट गया था, उनमें से एक कुषाण था, 7 कुल या 5 कुल? यूची अर्थात कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफीसस थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदमन प्रथम या कनिष्क? कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्रा या पुरुषपुर? कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ मानी जाती है, इलाहाबाद या मथुरा? अठहत्तर ईस्वी में किसने एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, रुद्रदमन प्रथम द्वारा या कनिष्क के द्वारा? बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कुंडलवन में
हुई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, अशोक के या कनिष्क के? तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण। थैंक यू वेरी मच।